ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच सड़क हंगामा देख रहे हैं। भरी दोपहरिया जब सूर्य देव अपने पूरे शबाब पर थे तो यहाँ ये हंगामा थी। देखिए कैसे ये लड़की बीच सड़क पर लेटी हुई है, टस से मस होने को भी तैयार नहीं। हैरान है ना कि जमीन कितनी तप रही होगी, और ऐसे में भला कोई इतनी आराम से कैसे लेट सकता है। गजब रौला दिखा रही है ये लड़की। कभी पुलिस इसे शांति से मनाने की कोशिश करती है तो कभी पुलिस के साथ इसकी भिड़ंत भी होती है। पुलिस वाले कहते हैं आइए इधर बात करते हैं, लेकिन सब बेकार। ये तो सड़क छोड़ने को ही नहीं है तैयार। इधर लड़की पुलिस वालों के पसीने छुड़ाती रहती है तो उधर राहगीर भी बुरे फंसे दिखाई दिए। गाजियाबाद के मोदी नगर के इस हाईवे का रास्ता उस वक्त जिसने भी पकड़ा उसने तो तौबा कर ली, मानो की गई भैंस पानी में। खड़े रहिए, अब क्या दो पहिया, क्या चार पहिया और क्या भारी भरकम ट्रक सब इस हाई वोल्टेज ड्रामे की चपेट में आ गए और लग गई वाहनों की ये लंबी लंबी कतारें। घूम रहा है ना दिमाग कि कैसे एक लड़की ने अकेले ही पूरा हाईवे हाईजैक कर लिया। तो चलिए ये पूरा माजरा आपको बताते हैं। मामला मोदी नगर पुलिस से जुड़ा हुआ है। युवती का आरोप है कि 2021 में उसका अपहरण किया गया और पुलिस ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती। युवती का तो ये भी कहना है कि कोर्ट के सामने उसके बयान में भी आनाकानी की गई, साथ ही उसका अपहरण करता खुलेआम घूमता रहा। युवती ने आरोप लगाया कि काफी दिनों बाद जब उसने इस मामले में संघर्ष किया तो एक आरोपी को तो जेल भेज दिया, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। मेरा मुकदमा नंबर 872/21 है। मेरा किडनैप किया था हिस्ट्री शीटर विशु तोमर ने, जो कि बागपत से वांटेड है और 3 जिलों में उसके मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद इन्होंने मुझे 5 महीने बाद बरामद किया। पहले मेरे 164 बयान रोके गए। 161 कराने के बाद थाना अधिकारी थाना प्रभारी अनीता मैम बोलती हैं कि अब तुम्हारे 164 नहीं होंगे। उसके बाद मैंने 6 फरवरी को अपना ट्विटर वीडियो वायरल किया। उसके बाद विजय यादव का 7 तारीख में फरवरी में और 8 में कॉल आता है, बेटा आपके 164 होंगे। फिर 8 फरवरी में मेरा 164 का बयान हुआ। उसके बाद विश्व तोमर जेल में है धारा 366, 376, 328 और 506 में। मेरी 164 के सभी मुजरिम फरार हैं। सीमा, नीतू, बिट्टू तोमर, संजू पवार में उसका परिवार, यश और ईशू और 2 अज्ञात हैं, एक अपहरणकर्ता और एक बलात्कारी। और ना ही ये सब 376D धारा विशु तोमर पर लगा रहे हैं और ना ही किसी को बरामद कर रहे हैं। वही इस लड़की ने अपनी जान को खतरा भी बताया और कुछ भी होने की सूरत में उसने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मुझे मेरी जान का खतरा है, अगर भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो मेरे सभी 164 के मुजरिम और पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, स्पेशली अनीता चौहान, विजय यादव और शशिपाल भारद्वाज। शशिपाल भारद्वाज ने जब मैं किडनैप थी तो मेरी माताश्री को ऑनलाइन ऑन ड्यूटी गाली दी थी और अश्लील शब्द बोले थे। इसके बाद अब अनीता मैम सबको फीडबैक मेरा बोलती है कि लड़की स्वयं भागी थी और मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही है और खिलवाड़ कर रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे कुछ अब हो जाता है तो जिम्मेदार प्रशासन होगा, सबको फांसी की सजा मिलनी होगी। जी मेरी आपसे यही विनती है। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने पुलिस से उसका पक्ष जानने की कोशिश की तो पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस युवती के साथ उसकी मां भी सड़क पर संघर्ष करती नजर आईं। सवाल यहां ये उठता है कि योगी सरकार महिला सुरक्षा के दावे तो करती है, तो क्या गाजियाबाद पुलिस के लिए ये युवती कोई मायने नहीं रखती? क्यों मजबूर होकर अपने परिवार के साथ गर्मी में इसे सड़क पर लेटना पड़ा? और पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से क्यों बच रही है? गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।